अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरे पास आज MCQ 66 है. हमने इससे पहले 65 कर लिए हैं और रेफरेंस मैंने इसका वहीं से लिया है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, और ये है अक्टूबर 31, 2023 का. तो बिल्कुल ही रीसेंट है और बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा मैं आपके लिए प्रिपेयर कर लूँ. ये देखें, इसमें जो है ना, इन्होंने बताया है कि अ 76-year-old मैन इन एन असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी प्रेजेंट्स फॉर इवेलुएशन ऑफ स्लोली प्रोग्रेसिव डीप पेन इन द थाइज एंड शिन्स दैट हैज़ लास्टेड फॉर 3 to 4 months. ही ऑल्सो नोट्स डिस्कम्फर्ट एंड थिकनिंग ऑफ हिज फिंगर टिप्स. ही हैज़ हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, माइल्ड डिमेंशिया एंड अ 40-pack-year हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग. रिव्यू ऑफ सिस्टम्स आइडेंटिफाइज फटीग, अ कॉफ दैट ओकेजनली प्रोड्यूसेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड 9.1 kg ऑफ अनइंटेंडेड वेट लॉस ड्यूरिंग द पास्ट 6 months. ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट इज एफेब्राइल एंड हैज़ नॉर्मल वाइटल साइंस. हार्ट, लंग एंड एबडोमिन एग्जामिनेशन आर अनरिमार्केबल. नाइदर द थाइज नॉर द शिन्स आर टेंडर टू टच एंड देर इज अ फुल रेंज ऑफ मोशन ऑफ बोथ नीज एंड एंकल्स. देर इज प्रोमिनेंट क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स विद बल्बस वाइडनिंग एंड द फिंगर टिप्स एंड माइल्ड एराइडीमा एट द नेल पैड्स. लेबॉरेटरी एवेल्युएशंस देखें, दे रिवील नॉर्मल ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट एज वेल एज नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल फॉर द पेशेंट्स एज एंड नॉर्मल रिजल्ट्स ऑन लिवर फंक्शन टेस्ट. द पेशेंट हैज़ हेमाटोक्रिट ऑफ 32%, नॉर्मल रेंज 36 to 46% एंड ESR ऑफ 62 mm इन फर्स्ट आवर एंड अ CRP ऑफ 18 mg/L 0.08 to 3.10 इसकी नॉर्मल होती है. थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ESR भी काफ़ी बढ़ा हुआ है. चेस्ट रेडियोग्राफ इज़ नॉर्मल. अ होल बॉडी न्यूक्लियर बोन स्कैन इज ऑब्टेंड. वो ये आपको दिखाया हुआ है. अब ये बोन स्कैन आप देख लीजिए, इसमें जो जहाँ तीर के निशान लगे हुए हैं ना, इसमें पेरियोस्टियल थिकनिंग दिखाई हुई है. ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने पूछा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इज दिस पेशेंट. तो पहला ऑप्शन है यूरिनालिसिस, बी है CT ऑफ द चेस्ट, ई है एकोकार्डियोग्राम, डी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और सी है CT ऑफ द एब्डोमेन. अब क्या कराएंगे आप इस पेशेंट में? एक दफ़ा हम नज़र डाल लेते हैं हिस्ट्री में क्या थी. 76-year-old मैन है और उसको थाइज और शिन में दर्द हो रहा है 3 to 4 months से. ठीक है. और फिंगर में ना उसकी थिकनिंग हो गई है जो उसने ऑब्जर्व किया है. हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, माइल्ड डिमेंशिया, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है उसकी 40-pack-year हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग है. और उसके अलावा जब उससे मज़ीद पूछा तो उसको कॉफ भी है और हेमोप्टिसिस भी उसको हुआ है और फटीग और वेट लॉस है 6 months के दौरान. एग्जामिनेशन में ए फिब्राइल है, वाइटल साइंस वगैरह नॉर्मल है, एब्डोमेन एग्जामिनेशन, हार्ट, लंग सब सही है और जो थाइज और शिन्स है ना वो कोई टेंडर भी नहीं है टच पे, ऊपर फुल रेंज ऑफ मोशन है. लेकिन प्रोमिनेंट क्लबिंग है उसको विद बल्बस वाइडनिंग एंड ऑफ द फिंगर टिप्स एंड माइल्ड राइदीमा एट द नेल पैड्स. अच्छा, इसका जो है लेबॉरेटरी एवेल्यूएशन में हमने क्या देखा, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है और हेमाटोक्रिट इसका कम है यानी कि एनीमिया हुआ हुआ है उसको और ESR बढ़ा हुआ है, CRP थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. होल बॉडी न्यूक्लियर बोन स्कैन आपको दिखाया है, उसमें पेरियोस्टियल थिकनिंग है. ठीक है. और कुछ जगह पे ना उसको रेडियो आइसोटोप स्कैन की जो है वो ज़्यादा डेंसिटी वहाँ पे जमा हो गई है. ठीक है. तो अब अगर इस हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को देखते हुए अब आप देखें कि क्या करवाएंगे आप. यूरिनालिसिस, उससे तो कुछ आपको ऐसा पता नहीं चल जाएगा. इकोकार्डियोग्राम, कोई ऐसे उसके सिम्टम्स नहीं है. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने की ज़रूरत, मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए इस पेशेंट के, उसको कॉफ है और जो है उसको सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, लेकिन वो आपको डायग्नोसिस की तरफ नहीं लेके जाएगा. ठीक है. बिला आखिर तो करवाना ही पड़ेगा इसका CT ऑफ एब्डोमेन.
वो भी अभी कराने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ जो है ना सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट होना चाहिए इसका, इसको क्योंकि इतनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री सिगरेट स्मोकिंग की है बहुत लंबी, और जो है इसको कॉफ है, हेमोप्टिसिस की हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है, और बोन पेन हो रहा है उसको। और उसको जब आपने बोन स्कैन करवा के देखा तो उसमें पेरियोस्टियल थिकनिंग नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं किसकी तरफ, मतलब लंग कैंसर की वजह से इसको हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हो गई है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी यानी इसका करेक्ट ऑप्शन भी है सीटी ऑफ द चेस्ट कराएंगे, की लर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, क्लबिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द फिंगर टिप्स, आर्थराइटिस, पेरियोस्टाइटिस एंड पेरियोस्टियल थिकनिंग एट लॉन्ग बोन्स आर एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी सेकेंडरी टू लंग कैंसर, ठीक है। तो ये उसकी वजह से होगा। वैसे तो मतलब ये जो ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी है हाइपरट्रॉफिक, वो क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से डेवलप होती है। अब क्रॉनिक हाइपोक्सिया जो है वो लंग की डिजीज़ ज़्यादातर वेस्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा होता है उस वजह से, या फिर जो है ना कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ उसकी वजह से हो रहा होता है क्रॉनिक हाइपोक्सिया। लेकिन इसको चूंकि कोई ऐसा सिम्टम नहीं है ना, हार्ट इसका नॉर्मल है सब, तो एकोकार्डियोग्राम से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको जो आप डायग्नोसिस अपने जहन में ला रहे हैं ना, वो लंग कैंसर के ब्लॉक है। मतलब ये तो टिपिकल पेशेंट होगा ना कि उसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, कॉफ है, और जो है फटीग हो रही है, बोन पेन हो रहा है, और हेमोप्टिसिस की हिस्ट्री वो दे रहा है। तो आप जाहिर है आप सोचेंगे कि भाई ओल्ड एज है उसकी 76 ईयर्स, तो लंग कैंसर की तरफ जाएगा ना, और क्लबिंग आपको नज़र आ रही है, तो आपका दिमाग लंग कैंसर की तरफ जाना चाहिए। तो लंग कैंसर का फिर जो है बाहर मिट्टी के बर्तन वाला है वो कुछ ना कुछ मैं कर रही होती हूँ ना तो कभी कभी ये बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि क्या करूँ। अच्छा तो आप इसकी तरफ सोचेंगे ना, ठीक है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, सिमिलर हिस्ट्री है उसकी, बेचारा 72 या 73 ईयर्स का है, और इतनी शदीद तकलीफ़ में वो आया, वो गिर भी गया था, तो उसको 5 महीने से ना हिप बोन पे लेफ्ट उसको तकलीफ़ थी। लेकिन ये कि पता नहीं कहाँ वो ऑर्थोपीडिक के पास गया है, किधर गया, मतलब उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। अब तो 5 महीने के बाद अब वो आया मेरे पास, अब उसको शदीद तकलीफ़, एडमिट किया मैंने उसको, और उसका जो है ना, जब उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हुई हुई थी, और मैंने उसकी आई का एग्जामिनेशन किया तो कंस्ट्रिक्शन थी उसको लेफ्ट साइड पे प्यूपल की, हॉर्नर सिंड्रोम उसको हुआ हुआ, पैन कॉज ट्यूमर, यानी कि मैंने अपने दिमाग में डायग्नोसिस बनाई कि उसको लंग कैंसर है, ठीक है, और क्लबिंग है उसको, सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री, पता नहीं 2 पैकेट वो पीता था, 30 40 साल से पीता आ रहा है, और उसके जो बोन पेन हो रहे हैं सारे। और उसका फिर मैं जब एक्सरे वगैरह देखा तो उसको फीमर का फ्रैक्चर नहीं था, उसको ऐसा टिबुलर फ्रैक्चर है, यानी कि उस, और पता नहीं कितनी बुरी हालत, तो उसकी पेन इतना, यकीन करें। तो अब इस पेशेंट के लिए ना बायोप्सी भी, अभी क्योंकि उसका इतना EF भी कम है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी है, और प्लूरल इफ्यूजन भी हुआ हुआ है, ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी तो करवा ही नहीं सकती ना मैं, मतलब एनेस्थीजिया कैसे देंगे, फिर उसके बाद है कि ट्रांस थोरेसिक करवा लें, तो उसमें भी इतनी छोटी विंडो, मुझे जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है उसने बताया कि बहुत ही मुश्किल है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं। तो भाई अब तो यानी आपको ना जो है डायग्नोसिस बनानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी इसकी इसलिए है, अगर उसको स्मॉल सेल लंग कैंसर आया तो 6 महीने तो उसका सर्वाइवल है सिर्फ, लेकिन एटलीस्ट आप पेशेंट को जो है ना सही से काउंसिल करें, और उसका एट द एंड आपको क्या करना है, पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है इन मज़लूम पेशेंट्स की, माय गॉड, और तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये लंग कैंसर बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब बहुत कम है कि विदाउट सिगरेट स्मोकिंग के होता हो, ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हो जाता है। तो और सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि जो घर में
स्मोकिंग करते रहते हैं ना, और जितने भी लोग एक्सपोज हो रहे हैं उस स्मोक से, तो उनको भी ख़तरा होता है लंग कैंसर का मुस्तकिल, यानी कि ये एक्सपोजर रहेगा सेकेंड हैंड स्मोक का। तो और एक सिगरेट पीने से ना, यानी कि अगर एक नहीं 15 सिगरेट जब इंसान पी लेता है ना, तो एक जीन उसकी म्यूटेट हो जाती है। तो म्यूटेशन जीन्स में कार्सिनोजेनिक है ना ये, तो मतलब बड़ा ही किसी को समझाना मुश्किल है कि सिगरेट स्मोक कितना ख़तरनाक है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने जो है इसकी सही से डायग्नोसिस करनी है बायोप्सी करा के। तो आपको पता ही होगा कि चार टाइप का होता है अगर आप हिस्टोलॉजिकली लंग कैंसर। एक तो है स्मॉल सेल लंग कैंसर, दूसरा है एडिनो कार्सिनोमा, तीसरा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और चौथा है लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, ये जो कैंसर्स हैं ना, इनको हम कह देते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। और दूसरा जो एक पहला था वो स्मॉल सेल लंग कैंसर है। इसमें डिफरेंशिएट इसलिए करना होता है कि इन सब का सर्वाइवल, इन सब की ट्रीटमेंट सब अलग है, ठीक है? तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अच्छा, यूरिन एनालिसिस ज़ाहिर है आप फिर कराएंगे, सीटी चेस्ट इसका सही आंसर है, एकोकार्डियोग्राम की अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्टेजिंग कर रहे होंगे पेशेंट की, पेशेंट को जो भी सर्जरी ऑफर है या जो कुछ भी है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द लंग कैंसर, तो आपको कराना ही होगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, बेस लाइन लंग फंक्शन उसके कैसे हैं उसको देखने के लिए, सीटी ऑफ द एब्डोमेन, मतलब ये कि उसके मेट्स तो नहीं कहीं पे चले गए हैं, तो वो देखने के लिए आपको स्टेजिंग करने में ये सारी चीज़ें फिर बिलाआखिर आपको करवानी होंगी। जो इमीडिएट आंसर है ना इसका, वो है सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट विच मेक्स यू टू मेक अ डायग्नोसिस। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ मुझे लिखिएगा ज़रूर आप लोग, कुछ भी मुझे आप जो है वो कमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।